आज तो यह कहा जाता है कि प्राणनाथ जी से वाणी नहीं खुली। प्राणनाथ जी ने तो केवल 500 को तारतम दिया था, 5000 को तारतम दिया था, हमारे सतगुरु महाराज ने तो लाखों को तारतम दिया है। प्राणनाथ जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, हमारे महाराज जी तो विदेशों में गए हैं, अंग्रेजी जानते हैं, कई देशों में हुआ है। प्राणनाथ जी ने 12000 पाठ नहीं रखवाए, अमुक महाराज जी ने 12000 पाठ रखवा दिए। ऐसी बातें कहकर प्राणनाथ जी को छोटा बनाने का दुस्साहस किया जाता है। कोई यह नहीं सोचता कि प्राणनाथ कहते किसको है, जो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, जिसके एक सतंग के इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और लय को प्राप्त होते हैं, उसको प्राणनाथ कहते हैं। आपने अंग्रेजी भाषा सीखकर कई देशों में भ्रमण कराए तो आप अंतर्राष्ट्रीय संत हो गए, और प्राणनाथ जी राष्ट्रीय संत, प्राणनाथ जी को राष्ट्रीय संत कहकर के तालियां बजाई जाती हैं, महापुरुष कह करके। हम भी आचार्य हैं और प्राणनाथ जी भी आचार्य हैं, दूसरे पहले आचार्य देवचंद जी, दूसरे आचार्य प्राणनाथ जी, हम भी उनकी परंपरा के हैं, तो हमारा भी स्थान उनके बराबर है, ये कैसे मान सकता है। तारीफ मोहम्मद मेहदी की, ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई हुए कई हो सी, पर किन ब्रह्मांडों रहे। किसी भी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर न तो अब तक कोई हुआ है, न है और न कभी होने वाला है। यह बात सबको गांठ में बांध लेनी चाहिए। जो वाणी का कथन है वह अंतिम सत्य है। किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया तो इसका तात्पर्य नहीं कि वो प्राणनाथ जी से बड़ा हो गया। प्राणनाथ जी की कृपा से ही सब कुछ है। प्राणनाथ जी का वरद हस्त जिस पर हुआ, उस परमहंस ने चमत्कार की लीलाएं दिखाई। हम जो कुछ भी हैं उनकी कृपा दृष्टि से ही है। यदि हम अपना प्राणनाथ जी से पृथक अस्तित्व खड़ा करते हैं कि हमारे अंदर प्राणनाथ जी से अलग विशेषता है, तो इस पाप का कोई भी प्रायश्चित नहीं हो सकता है। यही लीला का उद्देश्य है कि राज्य ने अपनी भी बात को झूठा कर दिया कि यदि मैं भी कहता हूं तो मेरी बात को नहीं मानना, वाणी के विपरीत। आज सारा समाज यदि वाणी के कथनों का अनुशीलन करने लगे तो सबकी आत्मा जागृत हो जाए। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे गुरु महाराज जी तो ऐसा नहीं कहते, तो लोग गुरु की बात मानते हैं, गादी की बात मानते हैं, वाणी की बात को नहीं मानते। हाँ, वाणी का अर्थ वास्तविक होना चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष हृदय से जो वाणी का अर्थ निकले और यदि वह सत्य होता है तो उसी को परम सत्य मानना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के कथन को नहीं मानना चाहिए।